गोरखपुर शहर को जाम मुक्त रखने के लिए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद द्वारा लगातार भ्रमणशील रहकर शहर में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने नौसड़ चौराहे पर खुद खड़े होकर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद के नेतृत्व में सभी चौराहों पर लगे यातायात पुलिसकर्मी चारों तरफ खड़े होकर बाई लेन से वाहनों का लगातार संचालन कराया जा रहा है, जिसके कारण शहर में कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। साथ ही किसी भी एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहन को भी रुकना नहीं पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा और मेरे द्वारा लगातार शहर का भ्रमण करके ट्रैफिक व्यवस्था को देखा जा रहा है। कहां पर क्या समस्याएं आ रही है इसका अवलोकन किया जा रहा है। कहीं कोई समस्या आ रही है जिसके संबंध में वहाँ पर उपस्थित जो यातायात के कर्मचारी जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं देख रहे हैं, उनसे भी जानकारी ली जा रही है। उसी क्रम में आज मैं यहाँ नौसर चौराहे पर मौजूद हूँ, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहा हूँ। ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे ट्रैफिक लगातार चल रहा है। हमारे ट्रैफिक डीएसआई और हमारे ट्रैफिक के कर्मचारी इसमें जो है कि लगातार काम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। ट्रैफिक में काफी अच्छी व्यवस्था हो गई है यहाँ नौसर पर। इस दौरान जो एम्बुलेंस निकल रहे हैं उन्हें किस तरह से सुविधा प्रदान कराई गई? एम्बुलेंस को निकलने के लिए बाया लेन लगातार फ्री कराया जा रहा है, बाया लेन से वो एम्बुलेंस निकल जा रहे हैं। उनको जहाँ भी जाना है एम्बुलेंस के आवागमन में कोई समस्या नहीं है। कोई भी इमरजेंसी वाहन है जिसमें मरीज हो या कोई इमरजेंसी वाहन हो वो सब निकाले जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है, बाएं से निकल जा रहे हैं।